स्थानीय चकिया गौशाला से गुरुवार शाम भक्तों का जत्था निशान लेकर रवाना हुआ। ये सभी शुक्रवार को होने वाले वार्षिक बसंतोत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस पैदल निशान यात्रा में चकिया श्याम परिवार के दर्जनों भक्त मौजूद थे। निशान यात्रा सुबह निर्धारित समय के अनुसार स्थानीय गौशाला से निकली, जो सभी मुख्य मार्ग से होकर शुक्रवार मुजफ्फरपुर स्थित श्याम मंदिर में जाकर समाप्त होगी, जहां सभी श्याम भक्त अपने निशान श्याम बाबा को सौंपेंगे। पदयात्रा के दौरान रथ को फूलों से सजाया गया, जिस पर सिंहासन बना श्याम बाबा को विराजमान किया गया। इसके पूर्व बुधवार की रात्रि में सभी निशान का विधिवत पूजन किया गया। इस मौके पर बाहरी तथा स्थानीय कलाकारों द्वारा गाए सुमधुर भजनों पर उपस्थित भक्त जमकर थिरकते दिखाई दिए। चार सालों से कंटिन्यू चलते हुए बाबा की कृपा से यह पांचवी पदयात्रा हम लोग चकिया से मुजफ्फरपुर श्याम मंदिर के लिए गौशाला हमारे श्याम बाबा के मंदिर में गौशाला से हमारे जाने के लिए निकली है, और भव्य जुलूस हमारे चकिया के द्वारा सभी श्याम प्रेमियों के द्वारा निकाला गया है। जय।